सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले जानना पाए जानना चाहेंगे किस तरह से ये फिल्म झोली में आपकी आई और क्या ऐसा देखा कि आपने इस किरदार को करने की तैयारी की? सम्राट एंड कंपनी, खैर जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा था जब कविता जी का पहला अनाउंसमेंट हुआ था कि वो सम्राट एंड कंपनी बना रही हैं, जो एक एडवेंचर थ्रिलर है और उसमें राजीव का भी लुक आया था, तो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड फर्स्टली। एंड आई वॉज़ वेरी क्यूरियस टू नो कि ये फिल्म एक्चुअली है क्या, क्योंकि राजश्री की फिल्म और एक सस्पेंस एडवेंचर काइंड ऑफ वो फिल्म एक अपनी जॉनरों से बाहर निकाल के राजश्री एक फिल्म बना रहे हैं, ये सुन के मुझे बहुत आई वॉज़ क्वाइट इम्प्रेस्ड। और मैं चाहती थी कि मैं कुछ भी करके बस अपनी पूरी मेहनत लगा दूं और ये फिल्म का एक हिस्सा बन जाऊं, क्योंकि एट द सेम टाइम हर एक न्यूकमर का सपना होता है कि उन्हें राजश्री जैसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करें, तो हर न्यूकमर्स की तरह डेफिनेटली मेरा भी बचपन से ये सपना था कि राजश्री के साथ मैं लॉन्च हूँ। और एक अच्छी बात ये भी है कि मेरी मॉम भी राजश्री के साथ उनकी करियर की शुरुआत हुई थी थ्रू नदिया के पार एंड अबोध, नेम इज़ शीला डेविड शर्मा। तो अपने आप जब चीज़ें होती गई और जिस तरह से हुई, अगेन यू नो जब मैं कविता जी से मिलने गई, जब ये मैंने न्यूज़ पढ़ा उसके बाद, तब कविता जी ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और मुझे किरदार के बारे में समझाया। मुझसे पहले बहुत सारी लड़कियां शॉर्टलिस्ट हो चुकी थी, काफ़ी लड़कियां जीरो डाउन भी हो चुकी थी, तो मैं बहुत नर्वस थी। मुझे लगा कि ओ माय गॉड, इतनी लड़कियां ऑलरेडी लाइन में हैं मुझसे पहले, देयर सो मच कॉम्पिटिशन। बट आई वॉज लाइक ओके फाइन, कॉम्पिटिशन तो वैसे भी हर जगह होता है, ये बिग डील, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट फॉर इट। और राजश्री के साथ एसोसिएशन अच्छा ही रहा है, कविता जी मुझे तब से जानती थी जब से मैं छोटी सी बच्ची हुआ करती थी स्कूल में। बट ये सारी अक्वेंटेंस ही काफ़ी नहीं होती एक फिल्म साइन करने के लिए। अपने सेट ऑफ ऑडिशंस मैंने दिए, मैंने अपने सेट ऑफ लुक टेस्ट दिए, और उसके बाद दो दिन बाद मुझे ऑफिस से फ़ोन आया और कविता जी ने कहा यू आर इन द फिल्म, आ जाओ फिल्म साइन कर लो। बिकॉज दादा, उनके जो डायरेक्टर हैं, उनकी और कविता जी की जो रिक्वायरमेंट थी एज अ हीरोइन, उसमें मैं फिट हो रही थी। एंड दैट्स हाउ आई बैग्ड सम्राट एंड कंपनी। किरदार की अगर मैं आपको बात करूँ, कितना पावरफुल था मदासा ने किस अंदाज में जिया इस किरदार को? मैंने पूरे अंदाज में जिया इस किरदार को। मेरे किरदार का नाम सम्राट एंड कंपनी में है डिम्पी सिंह, और जैसे जो एक रूटीन हीरोइन होती है उनको क्या, आई मीन यू नो यू कम, यू फॉल इन लव, यू डांस अराउंड द ट्रीज, फिल्म खत्म। लेकिन इसमें वो सब चीज़ें तो मैं कर ही रही हूँ, उसके साथ साथ भी जो एक जिस लेवल पे फिल्म, क्योंकि एक अलग जॉनर की है, तो अलग अलग इमोशंस के साथ खेलने का मौका मिला मुझे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ रोमांस है तो मैं सिर्फ रोमांटिक अवतार में ही नजर आऊँ। एट द सेम टाइम आई हैड मेनी मोर इमोशंस टू प्ले विथ एज एन एक्टर, तो इसमें परफॉर्मेंस स्कोप भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, चैलेंजिंग था, और मैंने वो इंटरेस्ट और चैलेंज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया। हमने वर्कशॉप्स की, एक महीने का वर्कशॉप था फिल्म की शूटिंग से पहले, एंड देन वी स्टार्टेड विद द शूटिंग ऑफ द फिल्म एंड इट वाज ब्यूटीफुल। डिम्पी का कैरेक्टर, डिम्पी इज अ वेरी यंग, फ्लैम्बॉयंट एंड वेरी रोमांटिक, सॉफ्ट, इनोसेंट गर्ल, एंड शी लव्स टू सिंग, डांस, शी लव्स टू फॉल इन लव। बहुत ही आजकल की इंडिपेंडेंट मॉडर्न लड़की भी है एट द सेम टाइम, और अपने फैमिली वैल्यूज़ को भी बहुत नर्चर करती है, अपने पूरे परिवार के साथ शिमला की वादियों में रहती हैं। अब तो फिल्म रिलीज़ हो गई हैं, जिन्होंने फिल्म देख ली होंगी उन सबको ये बातें पता हैं जो मैं कह रही हूँ, और दैट्स अबाउट इट। एंड डिम्पी के किरदार में रह के मुझे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करने का मौका मिला जो शायद एक सिंपल किरदार में ना करने को मिलता। तो फिल्म एक अलग कॉन्सेप्ट पर भी बनी है, और राजीव का भी जो पूरा लुक है, इट्स द सम्राट एंड द सम्राटिज्म। सो डेफिनेटली देयर वर मेनी मोर थिंग्स आई कुड सी इन दिस फिल्म व्हिच आई प्रोबेबली कुडंट सी इन द फिल्म्स आई वाज ऑफर्ड बिफोर सम्राट, दैट्स व्हाई आई चोज दिस फिल्म टू बी माय डेब्यू फिल्म। डिम्पी के किरदार को उस माला में कैसे पुरोया दादा ने? दादा कौशिक दादा जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने 4 साल तक सम्राट एंड कंपनी पर मेहनत की है, और इतनी रिसर्च के बाद जब पहली बार उन्होंने मुझे नरेशन दिया, तब उनके नरेशन से ही मैं समझ गई थी कि जिस डिटेलिंग पर उन्होंने इस स्क्रिप्ट पर काम किया था, इट वाज अनरियल, इट वाज मैजिकल रादर। बिल्कुल एक ना किसी झिझक में, कहीं भी फ्लो नहीं टूटते हुए उन्होंने पूरे जब नरेशन दिया, सारे सीन बाय सीन आई कुड एक्चुअली विजुअलाइज ऑल दोज शॉट्स इन माई माइंड जब वो नरेट कर रहे थे मुझे सब्जेक्ट। और डिम्पी का हर एक कैरेक्टर फिल्म में, जितने कैरेक्टर्स हैं सबका एक अपना इक्वल इम्पोर्टेंस है, सबका एक डेफिनेशन है उनके कैरेक्टर में, एक आउटलाइन है जो दादा ने क्रिएट किया है। तो डिम्पी के किरदार को भी दादा ने बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया, उसका नेचर, उसकी मैनरिज्म, उसकी बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड। महेंद्र प्रताप सिंह की वो डॉटर है जो जिनका एक बड़ा सा मैंशन है शिमला में, जहाँ पूरा परिवार एक साथ रहता है। सो बीइंग दैट एक्सट्रीमली रिच, दादा वॉन्टेड मी टू हैव एन एटीट्यूड एंड अ बॉडी लैंग्वेज पॉइज ऑफ प्रोबेबली अ प्रिंसेस।
तो जिस तरह की फिल्में दादा ने मुझे रिकमेंड की देखने के लिए, या तो जिन फिल्मों में जो एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने अपने आप को उस तरह से कैरी फॉरवर्ड किया है ना, बीइंग अ प्रिंसेस यू हैव टू मेंटेन दैट डिग्निटी ऑन योर फेस, योर बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स पर काम करना है, तभी जाके वो स्क्रीन पर कन्विंसिंग लगता है, वरना फेक लगता है, आप तो जानते ही। तो यस, उन सब बारीकियों पर मैंने काम किया हमारे वर्कशॉप्स में भी। अदर देन द वर्कशॉप्स ऑल्सो आई वर्क ऑन माई कैरेक्टर, आई वर्क ऑन द फिल्म, एंड द एंड रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। हर सेट को, हर एक लुक को, हर एक फ्रेम को बहुत बेहतरीन तरह से प्रेजेंट किया गया है, और कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको लगेगी कि ये फर्स्ट है। किसी भी आप अगर कोई भी एक फ्रेम भी देख लेंगे, जो जितनी चीज़ें भी वहाँ रखी हैं, हर एक चीज़ के पीछे एक अपनी कहानी है। चाहे वो सम्राट का पेपर वेट ही क्यों ना हो, चाहे वो सम्राट का पेन ही क्यों ना हो, उसकी टोपी ही क्यों ना हो, लेकिन हर एक चीज़ में अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी उनके पीछे। तो जैसे हमने सेट भी बनाया था, उस पर भी काफ़ी आप जब आप लुक देखेंगे तो एक सेट लुक आपको मिल जाता है, जिसकी बहुत रिक्वायरमेंट है हमारे सब्जेक्ट के लिए। तो घर के जो सेट्स बनाए गए थे वो भी बहुत लैविश थे। पहली बार जब मैं, पहला दिन था मेरा शूटिंग का, और जब मैं सेट पर उतरी और जब मैंने दरवाज़ा खोल के सेट देखा, आई वाज ब्लोन, आई वाज लाइक वाओ, ये मेरी फिल्म का सेट है, इतना खूबसूरत, इतना बड़ा, इतना पिक्चर परफेक्ट। तो हर एक सीन पर बहुत ज़्यादा मेहनत भी की गई थी, हर एक सेट पर, जो सम्राट का घर दिखाया है, जो मेरा घर दिखाया है, हर एक सेट में जितनी जितनी रिक्वायरमेंट्स थी, जो जो ज़रूरत था, जितना दिखाना चाहिए था, जितना दिखना ज़रूरी था, वो सब चीज़ें वेल बैलेंस्ड करके सारे सेट्स तैयार किए गए थे। आउटडोर्स भी, आउटडोर में भी आप जितना भी फिल्म में देखेंगे, हर एक पेड़ पौधे से लेके एक हर एक कली तक बहुत खूबसूरती से फ्रेम में रखने की कोशिश की है उन्होंने, जस्ट टू प्रेजेंट इट एंड मेक इट लुक ब्यूटीफुल। एंड बाकी का लुक तो आपने फिल्म में देख लिया है। मॉम से मुझे रोज टिप्स मिलते रहते हैं एक्चुअली, बचपन से लेके आज तक। इनफैक्ट ऐसा कोई एक दिन नहीं निकलता जबकि मुझे मम्मा कोई एक टिप नहीं देती, एक या हजारों टिप्स मुझे देती हैं रोज, और वो सारे टिप्स मैं अपने अंदर एज एन एक्टर एब्जॉर्ब कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। अगर मेरी मॉम, आज मेरी मॉम ना होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, क्योंकि जितना भी मैंने सीखा है, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना भी मेरे अंदर जो इंटरेस्ट जागे हैं बीइंग अ चाइल्ड फ्रॉम नाउ टू गेटिंग इनटू एन एडल्ट, वो सब मेरी मॉम की वजह से ही है। सो आई बीन सीइंग हर वर्क एंड ऑल्सो बीन सो इंटरेस्टेड एंड आई लुक अप टू हर एज अ परफॉर्मर। तो जब मैं भी काम करती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं सोचती हूँ कि क्या मैं उसके आसपास तक का भी काम कर लेती हूँ, बट येट अभी तो मेरी शुरुआत है, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट मम्मी से जो भी टिप्स मुझे मिलते हैं वो सब मेरे सर आँखों पर हैं, आई फॉलो देम।